अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अहमद अलब के बारे में। इसके बारे में हमसे कई बार पूछा गया कि इसकी एंट्री कब होगी, और हमारा एक ही जवाब होता था कि बहुत जल्द इसकी एंट्री होगी, लेकिन वो सिर्फ अंदाज़ा ही होता था। लेकिन अब अहमद अलब की एंट्री होगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ कौन से किरदार की एंट्री हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है, मैंने अभी एक फ़नी चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है, आप इस चैनल को जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं नए किरदार की कि अहमद अलब के साथ कौन से किरदार की एंट्री हो सकती है। नाजरीन, वैसे तो आपको ये की जा रही है कि काई साल तो की भी एंट्री इसके साथ ही होगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किरदार हो सकते हैं जिनमें से एक किसी की एंट्री हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही होगी, आगे पीछे एंट्री हो सकती है। नाजरीन, तो ये की जा रही है कि बहुत जल्द अक्षय कुंजा की एंट्री होगी। अक्षय कुंजा वो किरदार है जो कि उस मामले का दायां बाजू था, और आप इसके बारे में जानते होंगे कि यह किरदार कितना अहम था। तारीख में इसके बारे में काफी जिक्र मिलता है, और इसी वजह से काफी लोग इसको सीरीज में देखना चाहते हैं। यानी जितने भी कोरलर सीरीज देखने वाले हैं उन सबको यही कहना है कि अक्षय कुंजा की एंट्री होनी चाहिए, और साथ ही उनका यह भी कहना है कि कॉर्नर को उतना ही स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए जितना कि फर्जी किरदारों को मिलता है। यकीनन बहुत जल्द अक्षय कुंजा की एंट्री होगी, और उसके साथ ही कॉर्नर को भी अहमियत दी जाएगी, यानी स्क्रीन टाइम ज्यादा दिया जाएगा। और आपको याद होगा, हमने चंद दिन पहले बताया था कि एक फीमेल किरदार को कास्ट किया गया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कॉर्नर अरब के साथ इसकी कहानी चले की। अगर वाकई ऐसा कुछ होता है तो फिर बहुत जल्द उसकी एंट्री होगी। ओलिफ का खात्मा हो चुका है, जैसे नाइमान का खात्मा होगा या फिर नाइमान वापस चला जाएगा, उसके बाद सुल्ताना का भी खात्मा होगा या फिर उससे पहले ही हो जाएगा, उसके बाद इन सब की एंट्री होगी। अहमद अलब की भी उस वक्त ही एंट्री होगी। और आप सबको ये भी याद होगा, हमने आपको बताया था न्यू कास्ट की जा रही है, उससे यही वाजे होता है कि बहुत जल्द नए किरदार शामिल होंगे। खैर, अक्षय कुंजा की एंट्री तो होगी ही होगी, साथ में अहमद अलब की भी एंट्री होगी। अहमद अलब के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द इस किरदार की एंट्री होगी, और अब मुझे लगता है कि वो वक्त नजदीक है। 122 एपिसोड में यकीनन इसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जो 122 एपिसोड है उसके बारे में तवक्को ये की जा रही है कि उसमें काफी तब्दीलियां की जाएंगी। ये भी हो सकता है कि हल्का सा टाइम जंप हो, यानी 1 से 2 साल का टाइम जंप हो। अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर अहमद अलब की एंट्री होगी। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।